हम सनवर्ड रिसोर्स में आए हुए हैं। चारों तरफ हरियाली है, बहुत सारे बंदर हैं। यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं और वो हमारा घर हमारे ये कमरे हैं। कितने सारे बंदर हैं। भैया आ गए हैं, अब हम रिजॉर्ट दिखाएंगे। बंदर बहुत ज्यादा है भाई, यहाँ पे हरियाली तो खूब है, आके जी सा लग जाता है जो आते हैं। खो जाते हैं भाई, आते हैं तो कैसे जगह है? देखने वाली जगह है भाई। यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं। बंदरों की कितनी बार बता चुका है बेटा। और क्या है, झील झील भी है ना, सूरज कुंड है, सूरज कुंड का मेला लगता है। ले भाग गया तेरा दोस्त। यहाँ पे आग जला रखी है, सिकन लाग रहे लोग। करीब भीतर तक कमरे दिखा दे। हाय आशीष, हाय। सुबह 8-9 बजे पूरी और सब्जी लेकर आया। कौन? एक ले थोड़ा। अच्छा, पूरी सब्जी ऐसी रखी, एक पैक ग्लास में रख, अब बिल्कुल खुला है। सुबह शाम और रात को, मतलब मैं ही सुबह ही लगा दी मैं 8-9 बजे 10 बजे, वैसा भी नहीं उठा, बहुत उठाया उसे, बहुत तेरे से पीछे बाथरूम में ले गए फिर इसको ऊपर एक बार। जब इसे थोड़ी देर बाद उठाया मैंने, मुझे ये अंदर का व्यू है रिसेप्शन में। ये सारे कमरे हमारे आगे कमरे हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर सब सो रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर के बुक कर रखे हैं, अभी सो रहे हैं सभी। हम भी है कुछ पुराने जो चेक करते हैं। सोए पड़े हैं। गुड मॉर्निंग नित्या। हाँ भाई नित्या उठ गया। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग अंकल। मेरा नीतू मारा है। दिखा, खोल दे बाहर का भी दिखाओ। वाह।
गुस्सा। लो ये बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे हैं। बाकी मैंने मेरी बात सुनो। हाँ तो मैंने रात में क्या किया क्या? भाई नित्या बाहर जा रहे हैं। ओके मेरे तीन कमरे और हैं। वो रूम में नहीं जाएंगे, फैमिली है। ठीक है ना, आ जाओ तुम भाई। ये बाहर का मेन गेट है, मेन व्यू यहाँ पे, ये यहाँ पे पार्किंग एरिया, और ये पीछे भी ये सारे रूम है, बुक हो रखे हैं अभी हमारी फैमिली। टोटल कितनी फैमिली है अपनी? टोटल 30 लोग हैं, 13 फैमिली होंगी। सवेरे सवेरे एकदम बढ़िया मौसम हो रखा है भाई, मॉर्निंग वॉक का मन कर रहा है। अभी हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे। यहाँ पे एक जगह है डेथ वैली, ये देख लो भाई, मौसम हो रखा बढ़िया, मॉर्निंग वॉक का मन कर रहा है। अभी हम जाएंगे मॉर्निंग वॉक के लिए डेथ वैली। डेथ वैली का रास्ता भाई यहाँ पे दिखा रहे हैं, 8 मिनट का रास्ता दिखा रहे हैं, और लोग बताते हैं कि यहाँ पे जाने नहीं दिया जाता पास में लोगों को। क्यों? लेकिन फिर भी हम क्योंकि वो रिस्की है जाना, वो रास्ता ऐसा है, रिस्की है, भयानक सा रास्ता है, इसलिए से जाने नहीं देते लोग। पैर फिसल जाते, पैर फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, इसलिए वहाँ जाएंगे, लेकिन दूर से देखेंगे कि दूर से आपको दिखा के लाएंगे अगर जगह मिल जाती है तो। अगर कोशिश करेंगे जगह मिल जाए तो। स्टार्ट कर रहे हैं भाई, देखते हैं पहुँच पाते नहीं पहुँच पाते। ये स्टार्ट कर दिया, 8 मिनट का रास्ता दिखा रहा है पैदल का, अभी हम चल पड़े हैं। एक वन साइड बेटा गाड़ी आ जाएगी। रोड बढ़िया है, मौसम बढ़िया है, रनिंग मारने का मन कर रहा है, दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ लगाते लगाते तुझे तो बहुत सख्त जरूरत है रनिंग की। पीछे से हमारे दो साथी और आ रहे हैं, अंकल आंटी, और वो वीडियो बना रहे हैं। अभी वो हमारे साथ आ जाएंगे, थोड़े से दूर है। इतनी जल्दी कैसे पहुंचेगा बेटा? नहीं बेटा, थक गया। ज्वाइन कर लिया हमें। अब लेके चलेंगे इनको। आंटी ने कहा छोड़ा है। चेंज हो गया गाइस, रास्ता नहीं मिला वो डेथ वैली का, हम रिटर्न जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं अब, बाद में गाड़ी से देखेंगे। हाँ।
बोल छोटा सा, छोटा सा मंदिर है ये छोटा सा मंदिर है रिजोर्ट का ही। सर जय श्री राम, जय श्री राम। वो दो फैमिली जोर खड़ी ऊपर। नहीं दिखाई दे रहे भाई। रिजोर्ट पे वापस आ गया, अब इसके दूसरे रास्ते से जाना है हमें। तेरे पापा भी उठ के आ गए हैं। पापा भी आ गए भाई उठ के। और तुम्हारे ऊपर है ना भाई कि तुझे लोग कितने लाइक करे कितने नहीं करे। भाई क्यों नहीं आया, इज्जत का सवाल है। ठीक है चैनल को सरप्राइज कर दो, सारे लाइक करने लग जाएंगे, पता लगेगा सतंदर जी चैनल लोग डिसलाइक कर रहे हैं। अच्छा डिसलाइक करियो बस, चला लियो। ठीक है ना। देख राजेश चलते हुए भी एक्सरसाइज कर रहा है, ये एडमिन नंबर। महेंद्र पाजी बता कोट पहन के मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं। पानी नहीं, सूखा पड़ा है। चार मीनार गेट ऑफ आंध्र प्रदेश। पीछे वो मीडिया सेंटर है। ये सूरज कुंड है, यहाँ पर अभी फरवरी में मेला लगेगा। ये गोवा की पेंटिंग बना रखी है। ये चार मीनार की बैक साइड का नजारा देख लो कितना बढ़िया है। ये पीछे की तरफ कुंड है, तो चलेंगे कुंड में आ जाओ। और ये सूरज कुंड के ये मेले की जगह है जहाँ मेला लगता है प्रॉपर 2 फरवरी से 18 फरवरी। अभी तैयारियां चल रही है। सूरज कुंड, सूरज कुंड तुम्हें अभी तक जगह नहीं पता था बेटा, कुंड पता नहीं था कहाँ है। ये रहा कुंड, पिछली बार तो इस पे से कूद के ये कुंड। कितने सुंदर सुंदर पेंटिंग कर रखी है। ये पत्थरों पे पेंटिंग कर रखी है कुछ कुछ बढ़िया। ये हम ऐतिहासिक तालाब है, ये है एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल पाउंड। तालाब है गाइज, सूरजमल जी ने बनवाया था गाइज। बहुत बड़ा तालाब है, दर्शनीय स्थल है गाइज, सूरजमल जी ने बनवाया था। भरतपुर के राजा है, पानी तो नहीं बचा लेकिन बरसात में देखने लायक जगह। कैसा लग रहा है कुणाल? बहुत अच्छा। मम्मी पापा यहाँ तुम्हारे घूमने के लिए सो रहे हैं। कैसा लग रहा कुणाल? यहीं ले लें एक छोटा सा घर।
ये ले लें छोटा सा घर, ठीक है बुक करते हैं, चलते हैं, चल ठीक है भाई चल। आ गए, ये एंड पॉइंट है, मेन रास्ता जो था वहाँ से गार्डन ने नहीं आने दिया, ये हम दूसरे रास्ते से आए हैं, ये भी खत्म हो गया है भाई, आगे जाने का कुछ रास्ता है नहीं। ये है रास्ता भाई। हाँ ये रास्ता है, ये आगे जाता है, यही वाला रास्ता, फिर हम आगे जा नहीं सकते, बड़े साथ में रिस्क नहीं ले सकते, बड़े लोग साथ में हैं, अभी रिस्क लेने वाला। चलो भाई कुआं दिखा दो, चलो भाई डेथ वाली नहीं दिखाई दी है। ये भाई कुआ है, रहने अंदर नहीं चलेंगे बेटा, नहीं ये कुआ है, उसका प्रवेश द्वार है, ये वेरी गुड, तुम्हारे पीछे कौन है? ये वेरी गुड आशीष, एक तरफ हो जाओ भाई, बिल्कुल भाई गाँव की याद दिला दी, पर इसमें जेवड़ी दूसरी है, ठीक है ना, मत लग जाना, देखो वो सर डिसाइड तो हो जाए जल्द ना, कहाँ है अभी तक इलेक्शन हो रहा है, वहां पर वोटिंग हो रही है, ये पता ही नहीं चल रहा चलना कहाँ है, रास्ता है और सीधे भी रास्ता है, कहीं भी चल लो, हम लोग सूरज कुंड में आए हुए हैं, और ये सूरज कुंड देखिए आप कितना अच्छा प्लेस है, पूरी फैमिली पूरी ग्रुप की फैमिलीज आ करके यहाँ एंजॉय कर रहे हैं और नाइट स्टे किया है, थैंक यू।